एक बार नारद जी ने और नारायण दोनों संग विराजमान है, तो नारद जी ने पूछी, भगवान एक बात बताओ, या संसार में आपको सबसे बड़ा भक्त कौन है? नारद जी तो बोले, कने भगवान के ऐसे कहा बताऊं मैं, चलो धरती पे चल के देख लेते हैं। तो दोनों बने बाबा जी और एक गांव में पहुंचे। ध्यान से सुनियो, जो लोग ये दुखी होते हैं ना, हाय हम तो इतनी पूजा करते थे, हमारा ये ऐसे क्यों हो गया, हम तो बड़े अच्छे थे, हमारा बिजनेस में लॉस क्यों हो गया, हमारी नौकरी क्यों छूट गई, हमारा छोरा हमें छोड़ गया, पता नहीं क्या क्या जो भी कहते, कब बोले हम तो बड़ा भजन करते थे। सुनो ठाकुर जी का न्याय, नारायण भगवान और नारद जी दोनों बाबा जी बने और एक गांव में पहुंचे। वह गांव में एक सेठ जी को बहुत बड़ा मकान, बहुत बड़ा, खूब पैसा वारो चकाचक। दोनों जने गए, भिक्षा दे, भिक्षा दे दो। सेठ जी ने द्वारपालों नहीं, पहले तो भगा, जाओ जाओ क्या भिक्षा दे दो, भिक्षा दे, सुबह सुबह आके भागो यहां से। वो नहीं गए, अरे भिक्षा दे दो, भिक्षा दे दो। अरे भैया कोई द्वार पर अतिथि आए, भोजन तो करा ही सकते, जाओ यहां से, सेठ जी सुन लेंगे तो और गाली देंगे, हम तो फिर भी राजी से कह रहे जाओ। अब उन्होंने, नहीं हम तो सेठ जी से मिल के जाएंगे, तुम लोग क्या बाहर वाले लोग तो ऐसे भगा देते हो, हम तो सेठ जी से मिल के जाएंगे। अब महाराज पीछे पड़ गए, आवाज सेठ जी तक पहुंच गई, सेठ जी टाई फाई में आए, वो टाई फाइड में नहीं, टाई में, हाँ टाई वाई बांध के बढ़िया सेठ जी, वो थोड़े पढ़े लिखे से इंजीनियर टाइप के, तो वो वैसे स्टाइल में, हाँ वो कौन है हमारा, जाओ जाओ डांटेंगे, नहीं नहीं हम तो। उसने आके शुरू हो गया, हट्टे कट्टे हो, भिक्षा मांगते हो, शर्म नहीं आती है, सुबह सुबह किसी के द्वार पर मांगने पहुंच गए, अरे तुम्हारे बाप कमा के रख गए क्या, हम तुमको देंगे, जाते हो कि ढक्के मार के भगाऊं, बुलाऊं चार, नहीं नहीं राजी से ही जा। नारायण नारद जी बोले, चले सरकार प्रेम ते चल रहे, ये तो ढक्का ही देगो। भगवान बोले, कोई बात नहीं सेठ जी, हम जा रहे हैं, पर भगवान तुम्हें खूब संपत्ति दे, जितनी है उसका 100 गुना हो जाए। चले आए आगे। नारद जी ने पूछी, जाने ढक्का देवे में कमी छोड़ी ना, और यह संपत्ति को आशीर्वाद दिया है क्यों? अरे बोले आनंद लेने दो, कोई नहीं संसार है, चलो आगे चलते हैं, भूख लग रही है। अब कहाँ चले? बोले कोई तो होगो, गांव के बाहर एक झोंपड़ी ही, वहां में एक बुढ़िया माई, वहां के पास में गए, मैया अरे मैया का जो खावे है। मैया ने दरवाजा खोलो, देखो दो बाबा आए हैं, बड़े प्रसन्न भाई, अरे मेरो भाग्य आप लोग पधारे महाराज, बहुत अच्छो करो, आपको नमन है, कोट कोटि नमन है, आओ आओ हमारे विराज विराजो। महाराज खावे को तो कछु नहीं है, पीवे को है। कहा बोले, मेरे घर में एक गैया है, वा को दूध है, नेक सो दूध देते तो सोचती कि मैं पी लेती हूँ, बातें अपना जीवन चलाती हूँ, आज मैं नहीं पीऊंगी, तुम दोनों पी लो आदो आदो। हे भगवान रिंदे बोल ने पी लो, भगवान बोले पी लो, नारद जी बोले पर तुम ही पी लो, आप ही पी लो, बोले नहीं नहीं हम दोनों पियेंगे आदो आदो। तो आदो नारायण ने पी लियो, आदो नारद जी ने पी लियो, मैया भूखी सो गई और दोनों वहीं सो गए, नारायण और नारद जी कहाँ, मैया की झोंपड़ी में। मैया बड़ी प्रसन्न, मैया बाहर रही पूरी रात, वो ये दोनों भीतर। सवेरो भयो, नारायण बोले अब हम चल रहे हैं, बोले महाराज ने एक देर में गाय काटूंगी, पी के जाइयो, बोले ना 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 अब तू ही पी, अब हम जा रहे, जा रहे आशीर्वाद दे जा। बोले पूर्व आशीर्वाद, तेरी गैया मर जाए। तेरी गैया, नारद जी बोले नेक तो दया करो, बोले आगे चल के करेंगे दया, अभी जहां शांत रहो। हे महाराज जो आपकी कृपा, चले आए भगवान। अब नारद जी भड़क गए, हेलो मिस्टर नारायण, आई एम नॉट हैप्पी योर जस्टिस, सीरियसली आई एम नॉट हैप्पी, ये क्या है? अरे वाने हमें ढक्का ना मारे, वाह तो यूं किया है कि 100 गुना संपत्ति है जाए, भैया बेचारी ने खुद ने दूध ना पियो, हमें ही दूध पिवाई दियो अपनों भी,
और वो गाय एक ही गाय बिचारी के पास में बही थे अपनो पेट पार रही और बहुत किया ही गाय मर जाए, नेक दूर चले इतने में तो मर गई गाय, मर गई। भगवान ये कौन सो न्याय आपको? नारायण बोले देखो नारद मेरे न्याय को कोई नहीं समझ सकता, उस पापी ने हमें भोजन भी नहीं कराया, एक अतिथि को भोजन नहीं कराया, किसके मद में? धन के मद में। उसे क्या प्रिय है? बोले धन। अब जब व्यक्ति पे धन होगा तो क्या करेगा? अगर धन धर्म में नहीं लगेगा तो दो जगह, एक जगह तो जरूर लगेगा, अधर्म में लगेगा, हाँ या ना? तो भाई जेब में तो रखा नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं तो जाएगा, उस वो चंचल है, तो या तो अच्छी जगह लगेगा या बुरी जगह लगेगा। बुरी जगह लगेगा तो क्या होगा? बोले पाप होगा। पाप होगा तो क्या होगा? बोले एक एक पाप से घड़ा भरेगा और अंत में फूट जाएगा। तो हम तो उसके घड़ा भरने को और धन दिया है, बोले और भर, खूब भर, जित और करना है और कर ले, और भर ले अपना घड़ा, इसलिए उसे खूब पैसा दिया है। अब वो पाप करता रहेगा, नरक की तैयारी करता रहेगा। बोले चलो महाराज ये तो बात समझ में आ गई, पर वह बिचारी की गैया चो मारे आए वो कैसे जीवित रहेगी? भगवान बोले ये बुढ़िया माँ मेरी बड़ी भक्त है, बहुत भजन करती है और इसके जीवन में कोई बंधन भी नहीं है। अब इसके जीवन में एक ही बंधन है, वो गैया। क्या बंधन है? ये गैया। गैया क्या बंधन है? बोले अब आज इससे आठवें दिन ये मैया भी मरेगी, और अगर गैया नहीं मरती तो गैया के मैया का मन गैया में रहता कि मेरे बाद इसकी देखभाल कौन करेगा, तो इसे दोबारा आना पड़ता, इसे दोबारा आना पड़ता। अंत मति सुगति, जैसी अंतिम में मति होती है उसकी वैसी गति होती है। तो मरती तो इसका मन गैया में रह जाता, और ये गैया में मन रहता तो इसे दोबारा जन्म लेना पड़ता, लेकिन इसके रहते हुए अगर गैया मर गई तो अब इसका मन कहीं नहीं रहेगा सिवाय मेरे, इसलिए मैंने इसका बंधन काट दिया, अब ये सीधे मेरे पास आएगा। क्या बोलना पड़ेगा? ऐसे नहीं। अब बताओ भगवान का न्याय कैसा है? आप भगवान से दौलत के लिए प्रेम नहीं करते, और न करना चाहिए। हमें भगवान से प्रेम भगवान को पाने के लिए करना चाहिए, और भगवान वो प्रयास करते हैं कि जीवन के अंतिम पड़ाव पर भी तुम्हारा मन डाइवर्ट ना हो, इधर उधर न जाए। और कई बार अच्छा हम में सामर्थ्य है कि हम भगवान को समझ सकें? सामर्थ्य है? बोलो सामर्थ्य है? भगवान की लीला को हम समझ सके, इतनी सामर्थ्य हम में है? इसीलिए भक्त क्या कहते हैं, हे सरकार आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा हो रहा है, तेरी किसी भी लीला में किंतु परंतु मैं नहीं करूंगा, क्यों करूं जब मैं जानता ही नहीं। आप जो अब बताओ, मैया की गैया मरी, नारद जी को बुरा लगा, लेकिन क्या भगवान ने वो बुरे के लिए मारी गैया? जवाब दीजिए आप। हैं, कौन कौन ध्यान से सुन रहा था? तो गैया किसके लिए मारी, भले के लिए कि बुरे के लिए? जोर से बोलो। लेकिन नारद जी को बुरा लगा क्योंकि वो समझ ही नहीं पाए। सेठ जी को पैसा किसके चक्कर में दिया, भले के लिए कि बुरे के लिए? अगर तुम पैसे वाले तो क्या समझते हो भगवान तुम पे कृपा कर रहे हैं? मैंने बहुत पहले एक बात कही थी, आज फिर कहता हूं, भगवान जिसे स्वीकार करना चाहते उसका सर्वस्व छीन लेते हैं, जिससे भगवान खुद मिलना चाहते हैं ना उसका सर्वस्व छीन लेते, कुछ नहीं छोड़ते, फिर खुद मिलते और कहते अब तू मेरे लायक हो गया, जहां संसार का कोई बंधन नहीं। ठाकुर जी हर चीज को छोड़ देते जो हमें भगवान से दूर कर देती है, उसे समाप्त कर देते हैं।